सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद जो आपने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया, जितना बोलूँगा कम है, इसलिए आप सबका दिल से थैंक यू, धन्यवाद। मैंने अपनी कहानी ख़त्म की थी कि मैं दुबई पहुँच गया। अब आगे क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। दुबई एयरपोर्ट पे हम उतरे, ओहो, एयरपोर्ट देख के तो बस हिल गया मैं कि यार इतना बड़ा एयरपोर्ट, मतलब कमाल था। एयरपोर्ट से निकले, इतनी भीड़, इतनी दुनिया है दुबई एयरपोर्ट पे जिसकी कोई हद नहीं। बाहर निकल गए सब सामान वामान लेके। वहाँ हमारा MD आया था हमको लेने, वो लेके हमें आ गया शारजा। वहाँ जाने के बाद पता चला कि हमने शारजा में काम करना है, क्योंकि उनका एक रेस्टोरेंट दुबई में भी था, शारजा में उनके 3 रेस्टोरेंट थे। तो शारजा पहुंच गए, वहाँ हमारा रेस्टोरेंट बिल्कुल शारजा सिटी सेंटर के बाजू में था, तो फर्नीचर उसमें सारा आ चुका था। तो हम वहाँ पहुँचे, जैसे ही हम गाड़ी से उतरे, फिर MD ने हमें 100-100 दिराम दिए वहाँ के, और बोला घर बात आत कर लेना और रख लेना बाकी के अपने पास, खर्चा वर्चा करो तुम लोग। बस हमें 100 दिराम मिल गए, हमको क्या था, हमने फटाफट घर फ़ोन किया, सब हाल चाल अच्छे बढ़िया, घर वाले खुश थे। तो उनका एक और रेस्टोरेंट था, वहाँ गए, वहाँ खाना फाना खाया। फिर दूसरे दिन यहाँ पर आ गए हम, पूरा अपना सामान वामान सेट लेके। रेस्टोरेंट के ऊपर ही रूम बना था और बाजू में भी रूम थे, तो हम 2 लोग तो साथ में गए थे। फिर दूसरे दिन MD की माँ आई, तो हम 3 लोग मिल के सफाई में लग गए। हमने आगे से हॉल साफ करना चालू किया, फिर वहाँ पूरा फर्नीचर सेट किया, फिर हमने पीछे किचन में साफ सफाई की, पूरा सेट कर दिया, क्योंकि अभी पूरे लड़के आए नहीं थे। एक लड़का नेपाल से आना था, एक राजस्थान से आना था, एक गुजरात से भी आना था, साउथ इंडियन से। तब तक हम साफ सफाई करते रहे, सेटिंग करते रहे, फिर धीरे धीरे लड़के आ गए, और एक दो लड़के कम थे, वो उन्होंने अपने दूसरे रेस्टोरेंट से एक एक लड़का ले आए, ओपनिंग कर दिया। प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट का नाम था कैंट। अब मैंने तो कभी अपनी ज़िंदगी में वेजिटेरियन होटल में काम ही नहीं किया था, अब दुबई जाके वेज रेस्टोरेंट में काम करना पड़ा, लेकिन मस्त एक्सपीरियंस था। वहाँ क्या था, थाली सिस्टम रखा था, और आला कार्ड में मुझे लगता है जितने उनको नाम मालूम थे सब्जियों के, सारी सब्जियों के नाम थे चाइनीस और इंडियन के। वेज कोल्हापुरी, वेज जयपुरी, मिक्स वेज, जिन कितने नाम थे पता नहीं, मैं तो हैरान हो गया मेनू देख के। पालक कोफ्ता, मलाई कोफ्ता, मतलब इतने यहाँ बड़े होटल में भी नाम नहीं होते हैं जितने उसमें थे। अब मैं तो होटल से गया था, क्योंकि मैंने शुरू से ही होटल में काम किया था, तो मैंने फिर होटल स्टाइल में सारा मीजा किया, 3 ग्रेवियाँ बनाई, फिर पालक को भून के रखा, कोफ्ते डब्बे पूरे फ्रिज में ऐसे, मतलब सेटअप मारा मीजे का, ताकि जब ऑर्डर आए तो मैं निकालूं तो मुझे आसानी से मिल जाए। 2 लड़के वहाँ थे फुलका बनाने के लिए, क्योंकि थाली बिकती थी, थाली के साथ फुलका ही खाना है गुजरातियों ने। एक महाराज थे, 65 साल उनकी उम्र होती है, 60 साल, वो थे चाट में, समोसा रगड़ा, रगड़ा समोसा, टिक्की पानीपुरी, ये सब में महाराज थे। और एक गुजरात का बंदा आया था साउथ इंडियन में। इतने लोग हम थे बस अभी फ़िलहाल किचन में, और 3 लड़के सर्विस में थे। और जो वहाँ उनका दूसरा रेस्टोरेंट था, वहाँ से मिठाई उठाई का पूरा काउंटर था, मस्त बना रखा था। और परेशानी की बात क्या, इंडियन में मैं अकेला, सुबह ही हम उठ जाते थे सब, हद थी 7:30 नहीं तो 6 बजे उठना पड़ता था, क्योंकि वो शुरू में चला इतना ज़्यादा। सुबह ही उठ के हमने पहले दाल चावल सब्जी ये सब बना के ना सेटअप माना है थाली का, उसके बाद थाली के बाद फिर हमने आला कार्ड का मीजा करना है। और यहाँ इंडियन का सेटअप था, और उस कोने पे तंदूर। तो कभी कभी क्या होता था, कभी कभी क्या, हर रोज़ यही होता था, मैं इंडियन का खाना बनाने के बाद अगर तंदूरी रोटी है साथ में ऑर्डर में, फुलका नहीं है, तो मैंने वहाँ भाग के जाना पड़ता था तंदूरी रोटी नान लगाने के लिए। मैं अकेला पागल हो रहा था, मतलब सुबह 6-7 बजे से रात में 12 बज रहे थे, इतना काम, मतलब सभी परेशान हो गए थे। और जो शारजा की गर्मी, ओहो, गर्मी के बारे में बता दूँ, अगर आपने 2 घंटे सुबह रेंज पर काम किया, 1 घंटा, तो आपकी शर्ट पूरी गीली हो जाती थी, मतलब आपको बदलनी है शर्ट, अगर नचोड़ेंगे ना तो पानी निकल जाता था उसमें से, इतनी गर्मी होती है शारजा में।
तो लेकिन कंपनी ने क्या है, शर्टें बहुत सिला रखी थी, शर्ट पैंट दिया था तो सबको एक ही जैसे थे, तो शर्टें बहुत थी, तो टेंशन नहीं था, दिन में 3 बदल लो, 2 बदल लो, इतना काम था कि सारे लोग परेशान होने लगे थे। ऐसे ही चलता रहा, फिर लड़का आ गया एक चाइनीज़ वाला, तो थोड़ा सा टेंशन कम हुई, वो चाइनीज़ का मानने लगा। फिर वहाँ मैंने जो चीज़ें सीखी वो कमाल थी, मतलब मुझे पता नहीं था कि उंधियो इतना अच्छा टेस्टी होता है। खाया था मैंने, लेकिन वो नियत से नहीं खाया था, मतलब उसका टेस्ट जो था ना नेचुरल, वो मुझे पता नहीं था पहले। सूर्या पैलेस में मैंने देखा था उंधिया, लेकिन वहाँ जो महाराज ने बनाया उंधिया, ओहो अल्टीमेट, मतलब क्या जादू बोलते हैं ना, उसके हाथ में जादू था। उंधिया हर फ्राइडे बनती थी, क्योंकि छुट्टी थी तो उस दिन उंधिया पूरी आमरस ये सब थाली में लगता था, और उंधिया महाराज बनाते थे। महाराज ने एक बार बनाई, फिर मैं बोला महाराज अब हम सेवा करेंगे, आप बैठो बस हम बनाएंगे। तो उंधिया इतनी टेस्टी होती थी, और वहाँ जाके मुझे पता चला कि नो ऑनियन नो गार्लिक खाना बनाने की क्या टेक्निक है, और कैसे उन चीज़ों में टेस्ट आता, ये सारी चीज़ें मुझे दुबई जाके पता चली। और वहाँ मैंने एक चीज़ और सीखी, मतलब जो लड़का राजस्थान से आया था ना, वो स्पेशल, उसको और कुछ आता नहीं था, सिर्फ वो फुल्का बनाता था और वो है चोरमा और दाल बाटी बनाता था, बस उसने यही सिखा था वहाँ जहाँ वो काम कर रहा था राजस्थान में, जयपुर में। तो कई चीज़ें वहाँ सीखने को मिली, भाग के इंडियन से तंदूर में कैसे जाके वहाँ रोटी लगाना, और वहाँ सबसे बड़ी बात थी मेरे लिए नया कि वहाँ गैस का तंदूर था, और जब आप कोयले के तंदूर से गैस के तंदूर पे जाते हो ना, तो आपको थोड़ी एक दो दिन प्रॉब्लम होती है, उसका टेम्परेचर समझ नहीं आता, क्योंकि आप रोटी लगाते हो ना तो छूट जाती है, तो हमें पता नहीं होता है शुरू में कि यार हमने इसको कितनी तेज़ रखना है। फिर एक दो बार रोटी लगाते हैं तो वो छूट जाती है, तो उसको ना टेम्परेचर सेट करना पड़ता है। आप जब काम करोगे ना तब आपको पता चलेगा। मैं ऐसे बताऊंगा क्या टेम्परेचर होना चाहिए क्या नहीं, तो समझ नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आया था। बस हम जब काम करते हैं ना, प्रैक्टिकल करते हैं, एक दिन दो दिन तीन दिन, तब चीज़ समझ आ जाती है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल से समझ आती हैं, तो वो होने लगा। 3 महीने काम कर करके थक गए। 3 महीने के बाद क्या हुआ, मतलब 3 महीने के बाद ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हमारी बिल्डिंग के बाजू में फ्लाई ओवर बनने लगा। अब आपको पता है शारजा में जब फ्लाई ओवर बनता है तो क्या होता है, सारे रास्ते बंद। अब हमारे होटल में आने के लिए जगह नहीं, लोग कहाँ से घूम के आएंगे। तो मतलब 3 महीने बाद हमारे पास कुछ काम नहीं रहा, मतलब थोड़ा बहुत काम इतना ही जो मतलब कंपनी का खर्चा निकले बस। अब तो हम लोग 10 बजे उठने लगे, आराम से 10 बजे सो के उठते थे, और 1 घंटे में खाना मारा थाली का वो लगा दिया, उसके बाद फ्री, फिर मैं चला जाता था एक्सरसाइज करने, नहा धो के आया रेस्टोरेंट में बैठा, आराम से खाना खाया। अगर किसी ने मेरे लिए फुल्का बना के रख दिया है बाई मिस्टेक, तो मैंने नहीं खाना, मैं बोला भाई मेरे लिए नया बना, मतलब ऐसी आराम की ज़िंदगी होगी सबकी, सुकून आ गया। लेकिन अब MD की ज़िंदगी में भौचाल आ गया, क्योंकि स्टाफ की ज़िंदगी सुकून की हो गई। अब उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे स्टाफ को कम करना चालू कर दिया, कब किसी को वहाँ रेस्ट होम में भेज दिया, किसी को वहाँ भेज दिया। हम लोग भी बहुत घूमने फिरने लगे, मतलब हम शाम को 10 बजे रेस्टोरेंट बंद हो जाता था, तो कभी हम शारजा सिटी सेंटर मॉल में, कभी दूसरे मॉल में, कभी गार्डन में वॉलीबॉल खेलने, क्योंकि एक नेपाली था उसको वॉलीबॉल खेलने का बहुत शौक था, तो वॉलीबॉल खेलने हम गार्डन में चले जाते थे, हमारे बाजू में बहुत बड़ा गार्डन था। उसके बाद 12 बजे आके नहाना, खाना खाना, फिर एक फिल्म देखना DVD में, मतलब ऐसे आराम से ज़िंदगी सबकी कट रही थी। फिर धीरे धीरे MD ने सबको हटाना चालू किया, किसी को वहाँ भेजा जिसने काम करना था, किसी को वहाँ भेजा, मुझे बुलाया, मुझसे बोला आलम ऐसा है तुमने कल से फुल्का बनाना है, मतलब तुम्हारी ये ड्यूटी है फुल्के पे। मैंने बोला सर ऐसा है आपने बोला चाइनीज़ बनाओ, मैं बोला यस सर, आपने बोला इंडियन तो मैं आया था, मैं बोला ओके मैं बनाऊंगा, आपने बोला तंदूर में रोटी भी तुमने लगानी है, मैं बोला ओके सर, मैंने भाग भाग के रोटी लगाई आपके लिए। लेकिन आप बोलेंगे कि मैं फुल्का यहाँ बैठ के बनाऊँ, ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि कुर्सी डालम फुल्का बनाने के लिए पैदा ही नहीं हुआ है। अगर मैंने फुल्का ही बनाना था तो मैं यहाँ दुबई में आके फुल्का बनाता, नौला सर मुझसे नहीं होगा। बाकी आप जो काम कराना चाहते हो करा लो, फुल्के बैठ के नहीं बनाऊंगा। सीधा मैंने मना कर दिया कि भाई ये काम मुझसे होगा ही नहीं, आप चाहो तो आज मुझे इंडिया भेज सकते हो, मैंने आपके दूसरे रेस्टोरेंट में काम नहीं करना, मेरा तो ये सपना था इसलिए मैं दुबई आया हूँ, पैसे कमाने के लिए नहीं आया हूँ दुबई। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं तो सीधा ही मना कर दिया कि भाई मेरे से ये काम होगा ही नहीं,
उसके बाद क्या हुआ, हमारे रिलेशन कैसे हो गए आपको बताइए, जब मैंने ऐसा मना किया। फिर धीरे 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 स्टाफ कम होने लगा, फिर टाइम भी हो गया मेरे वीज़ा ख़त्म होने का। तो उन्होंने मेरा वीज़ा ख़त्म होने से पहले ही प्लान बना लिया था कि अब हमने इसको रेस्टोरेंट को बंद करना है, क्योंकि वहाँ ऐसा था अगर मैं नहीं तो खाना नहीं। मैं एक दिन अबू धाबी गया था तो मैं पूरा सुबह में उठ के 4 बजे थाली का खाना पूरा मार के गया था, इतने बुरे हाल थे। मतलब मैं नहीं तो खाना नहीं था, सिर्फ फिर वो ही खाओ रगड़ा समोसा या फिर आप डोसा बोसा खा सकते हैं, बस ऐसा वहाँ सिस्टम था। मतलब मैं ही सेफ था, लेकिन उसके बाद भी हमने कभी अपने आप को सेफ नहीं समझा। रीज़न क्या था, हमारी नज़रों में सेफ का मतलब था सेफ का एक बड़ा ऑफिस होना चाहिए, उसमें कंप्यूटर होना चाहिए, और सेफ रेंज पे काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने तो वही सेफ देखा था जो रेंज पे खड़ा हो गया, वो क्या सेफ है। मतलब अपने अपने डिपार्टमेंट में तुम काम करने वाले एक हेड हो। तो मैंने अपने बायोडाटा में CDP भी रखा है, उन्होंने भी मुझे CDP का ही सर्टिफिकेट दिया था। मैं बोला नहीं, मैं सेफ थोड़ी हूँ। मतलब उन्होंने तो बोला था हेड सेफ कुक, हेड कुक। मैं बोला नहीं, अपने कोई हेड कुक नहीं, अपने CDP का चाहिए बस। तो ऐसे चलने लगा, लेकिन हमने शेफ़ समझा क्यों नहीं, उसकी बात ये थी क्योंकि हमने, आपको पता है होटल का शेफ़ कैसा होता है। तो ये एक रीज़न था कि हमने अपने आप को कभी शेफ नहीं समझा। फिर मेरा हो गया टाइम ख़त्म, फिर मुझे बोला कि अब आपने जाना है। मैं बोला यस सर, थैंक यू। फिर मैं आ गया इंडिया, और जो मेरे साथ लड़का गया था वो भी आ गया, क्योंकि उसने भी वहाँ फिर काम नहीं किया। हम दोनों मुंबई आए, मेरा भाई आया लेने के लिए। फिर हम एक दिन मुंबई में घूमे फिरे, फिर हम आ गए बड़ौदा। बड़ौदा आने के बाद जिस भाड़े के मकान में हम रहते थे, आज भी उसी में रह रहे थे। उसका रीज़न ये था कि मैंने आपको बताया, क्योंकि सारा कारोबार जो भी था घर का भाई और मम्मी के हाथ में था, और हम दोनों छोटे भाई कुछ बोलते नहीं थे। अब मैंने देखा मम्मी आज भी यहाँ रह रही हैं, भाई भी रह रहा है, पैसे भी मैंने भेजे थे, मैं तो सारे पैसे घर ही भेजता था। छोटा भाई भी काम करता था, बड़ा भाई भी काम करता था, पैसे भी थे हमारे पास। तो बड़े भाई ने क्या किया था, भट्टे में हिस्सा ले लिया था, ईंट के भट्टे में उसमें हिस्सा ले लिया था, लेकिन मकान वही था। अब मैं आ गया बड़ौदा, थोड़े बहुत दिन किया, फिर मैंने छोटे भाई को बोला कि काम तो करना ही है, तुरंत आके पहले काम की फिक्र, क्योंकि काम बिना तो रह नहीं सकते ना। तो उसने एक दो जगह बताई, एक बड़ौदा में एक सबसे अमीर आदमी ज्योति कंपनी का, वो बताया कि इसको एक शेफ़ चाहिए जो इनके साथ साथ जाएगा, जहाँ ये जाएंगे खाना बना के खिलाएगा। तो मैंने यार बोला कि मैं घर में काम करूँगा, अब मैं घर में काम करने लगूँगा तो कैसा होगा यार, कुछ चीज़ें तो समझ ही नहीं आती घर में। तो उसने बोला चल कोई बात नहीं, घर में नहीं करना है तूने। तो उसकी क्या है, जान पहचान हो चुकी थी बहुत, क्योंकि वो सूर्य पैलेस में काम करता था। सूर्य पैलेस में क्या है, इतने लोग आते हैं इतने जाते हैं ना। तो राधा कृष्णा एक कंपनी है, वो मतलब ये रेस्टोरेंट गेस्ट हाउस ये सब चलाती है, उसने मुझे बुलाया, उनका ऑफिस बड़ौदा में भी है। तो उन्होंने मुझे भेजा ट्रायल देने के लिए हजीरा सूरत। मैं तो कभी नहीं गया था सूरत, तो मैं सूरत गया, सूरत से बहुत दूर है हजीरा। हजीरा में SR कंपनी का एक गेस्ट हाउस है, उसी के अंदर, उसमें मतलब बहुत फॉरनर आते हैं, और इतना बढ़िया गेस्ट हाउस है, किचन का बहुत बड़ा सेटअप है। मैं गया वहाँ, 2 दिन रहा, मैंने ट्रायल दिया, ट्रायल पास हो गया, सैलरी बोला उन्होंने 18,000 उस टाइम पे। मैं बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, 2007 की बात है, 2007 में 18,000 सैलरी। तो मैंने ट्रायल देने के बाद बात आत होगी, तो बाहर गया, बाहर आम का पेड़ था, उसके नीचे मैं बैठा और मैंने चारों तरफ देखी दुनिया। मतलब हजीरा में कुछ नहीं था उस टाइम पे, वो कंपनी के अंदर पूरा पैक बंदे काम कर रहे थे, और मतलब चारों तरफ कुछ नहीं दिख रहे थे दूर दूर तक मकान फकान। तो मैंने सोचा, मुझे अल्लाह ताला ने सोचने की ताकत दी, मैं वैसे सोचता नहीं हूँ, मैं सोचता हूँ जो होगा देखा जाएगा, लेकिन उस दिन मुझे अल्लाह ताला ने ताकत दी सोचने की। मैंने सोचा कि खुर्शीद आलम तेरी 18,000 सैलरी है, तेरा PF कटने लगेगा, तुझे ऐसा ये सब कटने लगेगा, और 18,000 बहुत ज़्यादा होते हैं, तो तू यहाँ से ज़िंदगी भर नौकरी नहीं छोड़ पाएगा, मतलब यहाँ पर ही रह जाएगा, ये मेरे दिमाग में आया। तो मैं गया सीधा मैनेजर के पास, मैं बोला सर मैंने काम नहीं करना है। उसने बोला क्यों, मैं बोला क्यों तो मुझे पता नहीं, बस मुझसे काम नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ। मैं वापस आ गया बड़ौदा, फिर मैंने उस भाई से बोला कि यार मैंने वहाँ काम नहीं करना, क्योंकि फिर मैं ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाऊँगा अपनी, वहीं रह जाऊँगा, पैक हो जाऊँगा, मतलब पिंजरे में बन जाऊँगा, कहीं सोचूँगा भी जाने की तो नहीं जा पाऊँगा फिर,
क्योंकि उसमें जब मैं एक बार फंस गया तो फिर फंस गया। तो उसने बोला ठीक है चल कोई बात नहीं। उसने अपने जानने वाले बंदे को फ़ोन किया, मुंबई में था तो उसने मुझे बुला लिया मुंबई। मैं पहुंच गया मुंबई अंधेरी, वहां उसने मुझे एमडी से मिलाया, इंटरव्यू हुआ। बस रेस्टोरेंट का नाम था शतरंज निपोली, उनका एक रेस्टोरेंट अंधेरी में था, एक रेस्टोरेंट उनका बांद्रा में था काटन रोड पे। तो मैं एक दिन यहाँ काम करता था, एक दिन वहाँ काम करता था। जब वहाँ जाता था बांद्रा तो वो पैसे देते थे आने जाने के। ऐसे ही ज़िंदगी चलने लगी, कोई काम वाम नहीं, जो सीखना है सीख सकते हो तुम वहाँ। वहाँ एक लखनऊ से शेफ आए थे, वो बनाते थे मतलब मटन के गुलावट कबाब इतने मस्त। उनको रखा इसीलिए था कंपनी ने, और उनका कोई काम नहीं था, और वो मेरे रूम पार्टनर भी थे। तो वो भी वहाँ जाते थे काटन रोड पे, तो मैं साथ में ही जाता था, साथ में ही उनके आता था जिस दिन जाता था। तो बहुत सीखने को वहाँ मिला, प्रॉन्स लॉबस्टर इतना चलता है वहाँ, तो बहुत कुछ था वहाँ। लेकिन अपने पास कुछ नहीं था क्योंकि बेकरी में इतना काम नहीं था, दो चार आइटम थे बस। अब क्या करें, बोर हो रहे थे बहुत। फिर किसी ने बताया कि मिड डे यहाँ निकलता है पेपर, उसमें वैकेंसी निकलती है बाहर की। फिर हमने देखा पेपर, तो उसमें सिंगापुर की वैकेंसी थी, और इंटरव्यू के लिए जाना था अंधेरी में ही उस तरफ ईस्ट में। पहुँच गए, फ़ोन किया, उन्होंने बुला लिया। बुलाने के बाद क्या हुआ, उन्होंने मुझसे बोला कि भाई सिंगापुर की तो वैकेंसी नहीं है, वो ख़त्म हो गई, सऊदी की वैकेंसी है, तुमने जाना है सऊदी? मैं बोला सर मैंने सऊदी नहीं जाना है। बंदे ने मुझसे बोला कि तू मुसलमान है तो तूने सऊदी क्यों नहीं जाना है? मैंने बोला सर मेरी मर्जी है, मैंने नहीं जाना है। क्योंकि सऊदी के बारे में ना बहुत अफवाह सुनी थी मैंने कि ये होता है वो होता है, तो इसलिए मैंने उसे सीधा मना किया कि भाई मैंने नहीं जाना है सऊदी। फिर मैं वहाँ से वापस आ गया, मैंने किसी को फ़ोन किया तो उसने ऐसा बोला मुझे कि यार चला जाना सऊदी, लोग कितना तरसते हैं सऊदी जाने के लिए, तू हज और उमरा भी कराना। तो ये बात मेरे दिमाग में आ गई, मैंने तुरंत उसको फ़ोन किया कि सर मैं जाऊँगा। उसने बोला ठीक है परसों इंटरव्यू है आ जाना। मैं पहुँच गया इंटरव्यू के लिए और मेरा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि जो बंदा इंटरव्यू लेने आया था ना वो वहाँ काम करता था ऑलरेडी उस कंपनी में, बहुत पुराना बंदा था, नाम था उसका बेंजामिन, गोवा से था वो। तो मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मैं आ गया, फिर उनका फ़ोन आया कि भाई तुमने मेडिकल कराना है, हमने मेडिकल भी करा दिया, हो गया। लेकिन हमने कभी पैसे खर्च नहीं किए बाहर जाने के लिए, हमसे एक रुपया नहीं लगा, मतलब टिकट भी कंपनी का ही था। जब मैं लखनऊ में था तो मुझे किसी ने बताया था शेफ ने कि अगर सऊदी दुबई या कहीं गल्फ में जाना है तो पैसे खर्च नहीं करना, यहाँ जाने के लिए क्या पैसे खर्च करना, तुम शेफ हो तुम आर्टिस्ट हो तो कोई तुम पे पैसे खर्च करेगा तब जाना, अपने पैसे नहीं खर्च करना। ये चीज़ मेरे दिमाग में थी तो मैंने पैसे खर्च नहीं किए। फिर उन्होंने बोला अभी तुम्हारे पास एक महीना है तो तुम जो करना है तब तक कर लो। तो मैंने यहाँ रिजाइन दिया, मैं सीधा घर आ गया। घर आया तो घर अभी तक वो ही था। फिर मैंने छोटे भाई से बोला कि क्या करना है यार, ये तो घर ले नहीं रहा है भाई, ये तो भट्टा भट्टा हो गया, अब क्या करें। फिर वो साइकिल से गया, एक नई सोसाइटी बननी थी हमारे गोरबा में, हम लोग यहाँ नवायाड़ में रहते थे अभी रामबाड़ी में। गोरबा में जब साइकिल से गया वो, तो बिल्डर ने मुझे बाद में बताया कि जब ये बंदा साइकिल से आया था तो हमने बैठ के बोलो क्या चाय पी रहे होंगे, तो उन्होंने बोल दिया कि ये बंदा ज़रूर लेगा मकान। मतलब एक एक्सपीरियंस होता है ना बंदों का देखने का, तो उन्होंने आपस में बात की, बोले ये लेगा मकान। तो बात बात की उसने करके आ गया, फिर उसने मुझे फ़ोन किया, बोले कल चलना है वहाँ या तू अभी आ जा मकान देखने। फिर मैं भी गया, हमने मकान देखा, डन हो गए। मकान की कीमत थी सिर्फ 4.5 या 5 लाख रुपए कुछ, तो हमने बुक करा दिया मकान। बुक कराया तो कुछ बात हो गई ऐसे, तो हमने एक प्लाट भी साथ में बुक करा लिया, थोड़े बहुत पैसे दे दिए, और मैं चला गया फिर सऊदी थोड़े दिन के बाद। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि सऊदी जाके क्या हुआ और कैसे हमने मकान लिया, कैसे वहाँ रहने गए। तब तक के लिए